आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। ये रेमेडी बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी लगा सकते हैं। ये रेमेडी अगर आपको हेयर फॉल का इश्यू है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने बालों को शाइनी चमकदार बनाना चाहती हैं, तो आज की जो रेमेडी है वो स्पेशल आपके लिए होने वाली है। बस आपको एलोवेरा में एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है दोस्तों, जिससे आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे ना कि आपको कटवाने पड़ेंगे। इतनी कारगर, इतनी अमेजिंग ये रिजल्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से बनानी है इस रेमेडी। इसके लिए सबसे पहले लेना है दोस्तों आपको एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो भी आप लें, फ्रेश एलोवेरा लीव्स ही आपको लेनी है। यहाँ पे जितना हो सके उतनी कोशिश यही करिएगा कि आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ही यहाँ पे लेनी है। इस तरीके से मैंने एक लीव्स ली है, उसको इस तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका पल्प निकालना है। चाहे आप तो इसे ग्राइंडर में भी निकाल सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा फ्रेश एलोवेरा लीव्स ही आपको यहाँ पे लेनी है। प्लांट वाला ही आपको एलोवेरा जेल चाहिए। इस तरीके से एलोवेरा लेने के बाद दोस्तों, एलोवेरा आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए, लंबा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। इससे हमारे बाल सिल्की शाइनी बनते हैं। तो 1 से 2 चम्मच के करीबन आपको एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये इन्ग्रीडियंट्स है दोस्तों, वो है आलमंड ऑयल, जिसे हम बादाम का तेल कहते हैं। बादाम का तेल आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये बादाम का तेल आपको प्योर बादाम का तेल लेना है, जिसमें मतलब 100% बादाम का तेल ही हो। ये तेल आपके बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही अमेजिंग, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है ना जिससे आपके बाल इंस्टेंट बढ़ते हैं। आप इंस्टेंट से मतलब ऐसे नहीं कि आपने अभी लगाया तो अगले दिन मॉर्निंग में बढ़ जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस ऑयल को लगाने से बाल बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे लेना है 1 से 2 चम्मच, या जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप तेल ले सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीबन लिया है, 1 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच एलोवेरा लीव्स, 1 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, कि चाहे तो आप इसे ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं, जिससे ये दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, ये रेमेडी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो इस रेमेडी को आपको रात के टाइम लगाना है, या हो सके तो आप इसे मॉर्निंग के टाइम पे भी लगाएं, बट एटलीस्ट आपको इसे 2 से 3 घंटे अपने बालों में छोड़ के रखना है। इस तरीके से आपको ये जेल लेना है और पूरे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। ना हो सके बालों की जड़ों पे ही लगाएं, लेंथ पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी आप इसकी ले लीजिए, बालों की लेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बच्चों के बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसा हमने कुछ इंग्रीडियंट्स नहीं डाला है जो बच्चों की हेल्थ के लिए खराब हो। अच्छे से अपने बालों की जड़ों पे इस ऑयल को लगाएं आप। बस ये 2 इंग्रीडियंट्स ही बहुत कमाल के इंग्रीडियंट्स है आपके बालों के लिए। जब आप अच्छे से लगा लें, उसके बाद अच्छे से हेड मसाज दें, जिससे आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन हो और आपके जो बाल हैं उसकी ग्रोथ और तेजी से हो दोस्तों। अब इसको लगाने के बाद आप चाहे तो कॉम कर सकती हैं, नहीं तो अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए। बांधने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपने बालों को हेयर वॉश कर सकती हैं। इससे आपके बाल सिल्की होंगे, स्ट्रांग होंगे, मोटे होंगे, घने होंगे, क्योंकि जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की रेमेडी आपको मेरी जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो करना क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।